हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने मरीजों का इलाज करते हुए डॉक्टरों को देखा होगा, लेकिन अब जल्दी ऐसे रोबोट तैयार किए जा रहे हैं जो इंसानों के शरीर के अंदर घूमकर उसकी बीमारी को ठीक करेंगे। चीन के शोधकर्ताओं ने ऐसे ही छोटे छोटे रोबोट से तैयार करने में सफलता पाई है, जो चुंबकीय कणों की मदद से शरीर के अंदर घुसकर न सिर्फ बीमारियों को पहचानेंगे बल्कि बीमारियों के उपचार में भी मदद करेंगे, जिसमें शरीर की कुछ खास कोशिकाओं में दवाई पहुंचानी पड़ती है। आपको बता दें कि चीन में इन रोबोट्स का निर्माण पानी में पाई जाने वाली काई में पैदा होने वाले जीवों से किया गया है। ये जीव शरीर के अंदर बीमारी की वजह से होने वाले रासायनिक परिवर्तन को पहचान लेते हैं और उन छोटे उत्तकों को भी पहचान लेते हैं जो MRI की पकड़ में भी नहीं आते हैं। बता दें कि अभी हाल ही में सऊदी अरब में पहली बार एक रोबोट को वहां की नागरिकता दी गई थी। यहां एक और बात गौर करने वाली है कि आने वाले समय में आप नेताओं की जगह रोबोट को चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं। ये रोबोट ना सिर्फ एक तेज तर्रार नेता है बल्कि चुनाव भी लड़ने में सक्षम है। न्यूजीलैंड के उगमी निक गेरिटसन की मदद और सलाह से वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला रोबोट राजनेता बनाया है। बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला यह नेता रोबोट आवास, शिक्षा, आवर्जन संबंधी नीतियों जैसे स्थानीय मुद्दों पर पूछे गए सवालों का बड़ी ही आसानी के साथ जवाब दे सकता है। यही वजह है कि 2020 में न्यूजीलैंड में होने वाले आम चुनाव में इसे उम्मीदवार बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस डिजिटल राजनेता का नाम सेम दिया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।